Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to complete chapter number 8, Fun with Numbers. We have already done part first and this is part 2. So let us just start and see what is there in the next part. So, pehle part mein ek picture di hui hai aur yahan par kaha gaya hai ki number from 51 to 99. Ab humne 50 tak to pichle part mein seekh liya tha. Now we are going to learn numbers from 51 to 99. Ankita is pasting mirrors on her house. Ankita मिरर्स यानी कांच को अपने दीवार पे घर की दीवार पे चिपका रही है. Help her to find out how many mirrors she has used in the design. हमें ये पता करना है कि कितने mirrors उसने total use किए हैं. Okay? तो पहले एक पूरे set में देख लेते हैं कितने mirrors हैं. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 है. अब total count कर लेते हैं. यहाँ पे मैंने 10 लाइंस खींच दी हैं ताकि हम सारे काउंट कर सके. तो पहला हमने काउंट किया तो कितना आया 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. तो ये 20 हो गया, तो हम यहाँ 20 लिख देंगे. फिर 20 के बाद फिर 10 ऐसे ही काउंट करेंगे. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. तो ये हमारा 30 हो गया. फिर ऐसे ही काउंट करते जाएंगे तो आ जाएगा 31 से हम 40 तक काउंट करेंगे. फिर ये 40 हो गया, देन 50 तक काउंट करेंगे, 50 हो गया, नेक्स्ट 60 हो गया और लास्ट वाला जो हमारा है इसमें वो अभी चिपका ही रही है. तो वैसे तो अभी एक नहीं लगा हुआ है लेकिन टोटल 10 लगेगा तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 70. ओके, तो हम इसमें क्या लिख देंगे आंसर कि 70 टोटल मिरर्स लगाए हैं अंकिता ने. ओके, 10-10 के पेयर्स में उसने मिरर्स लगाए हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है काउंट एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम 51 टू 60. अब यहाँ पे 51 से 60 तक हमें दातून की हेल्प से नंबर काउंट करना है और उनकी स्पेलिंग्स भी लिखनी है. तो एक एक करके देखते हैं. ये देखो 10-10 के बंडल्स हैं तो 10, फिर 10 आ गया तो 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और एक एक्स्ट्रा है तो 50 और 1 कितना हो जाएगा 51. F-I-F-T-Y-O-N-E 1 51. आपको स्पेलिंग भी याद करनी है. ओके, ऐसे ही 50 फिर 2 एक्स्ट्रा 1, 2 तो 52. F-I-F-T-Y 50 T-W-O 2, फिर 3 एक्स्ट्रा 1, 2, 3 सो 53. F-I-F-T-Y 50 एंड T-H-R-E-E 3, फिर 4 एक्स्ट्रा 1, 2, 3, 4 सो 54. F-I-F-T-Y 50 F-O-U-R 4, देन 55 क्योंकि 5 एक्स्ट्रा है 1, 2, 3, 4, 5 सो 55. F-I-F-T-Y 50 F-I-V-E 5 55. आपको सभी नंबर्स की स्पेलिंग को याद करना है. ओके, देन 6 एक्स्ट्रा है सो F-I-F-T-Y 50 एंड S-I-X 6 56. ऐसे ही 7 एक्स्ट्रा है सो F-I-F-T-Y 50 S-E-V-E-N 7. देन 8 एक्स्ट्रा है F-I-F-T-Y 50 E-I-G-H-T 8 58. देन 9 एक्स्ट्रा है F-I-F-T-Y 50 N-I-N-E 9. देन अब एक और एक्स्ट्रा आएगा तो 9 थे तो 10 का बंडल हो जाएगा तो 59 के बाद क्या आता है 60. S-I-X-T-Y 60. ओके, तो हमने 60 तक कर लिया. नाउ नेक्स्ट कह रहा है काउंट एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम 61 टू 80. अब हमने 60 तक कर लिया, अब 61 से 80 तक ऐसे ही हमें आगे कंटिन्यू करना है. तो देखो 60, 6 बंडल्स हो गए 10-10 के और 1 एक्स्ट्रा तो 61. S-I-X-T-Y 60 O-N-E 1. देन 2, 62. S-I-X-T-Y 60 T-W-O 2. देन 3 एक्स्ट्रा S-I-X-T-Y 60 एंड देन T-H-R-E-E 3 63. देन 4 एक्स्ट्रा S-I-X-T-Y 60 एंड F-O-U-R 4 64. देन 5 एक्स्ट्रास S-I-X-T-Y 60 F-I-V-E 5. देन 6 एक्स्ट्रास S-I-X-T-Y 60 एंड S-I-X 6 66. देन 7 एक्स्ट्रा S-I-X-T-Y 60 S-E-V-E-N 7. देन 8 एक्स्ट्रा S-I-X-T-Y 60 देन E-I-G-H-T 8 68. देन 9 एक्स्ट्रा S-I-X-T-Y 60 N-I-N-E 9 69. एंड अब 9 में एक और ऐड हो जाएगा तो फिर से 10 का बंडल बन जाएगा और 69 के बाद क्या आता है 70. 70
70, स्पेलिंग क्या होती है, SEVENTY, 70। अब हमें 70 के बाद काउंटिंग करनी है, तो 7 बंडल्स यानी 70 एंड 1, 71, तो 70 की स्पेलिंग देखेंगे, SEVENTY, 70, ONE, 1, देन 2, 72, SEVENTY, 70, TWO, 2, देन 73, EVENTY, 720 एंड THREE, 3, 3 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, देन 4 एक्स्ट्रा SEVENTY, 70, FOUR, 4, देन 5 एक्स्ट्रा SEVENTY, 70, FNFIVE, 5, 75, देन 6 एक्स्ट्रा SEVENTY, 70, SIX, 6, 76, देन 7 एक्स्ट्रा SEVENTY, 70, SEVEN, 7, 77, देन 8 एक्स्ट्रा SEVENTY, 70, EIGHT, 8, 78, देन 9 एक्स्ट्रा SEVENTY, 70, NINE, 9, 79। अब 79 में एक और ऐड होगा तो एक बंडल बन जाएगा, क्योंकि 10 10 के बंडल्स हैं, तो ये आ जाएगा 8080, EIGHTY, 80। तो हमने 80 तक की काउंटिंग कर ली। अब उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं 81, सो 80 बंडल्स और 1 एक्स्ट्रा, EIGHTY, 80, ONE, 1, 81, देन 2 एक्स्ट्रा, EIGHTY, 80 एंड TWO, 2, 82, देन 3 एक्स्ट्रा, EIGHTY, 80 एंड THREE, 3, 83, देन 4 एक्स्ट्रा, EIGHTY, 80, FOUR, 4, 84, देन EIGHTY, 80 एंड FIVE, 5, 5 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा 85, देन 6 एक्स्ट्रा EIGHTY, 80 एंड SIX, 6, देन 7 एक्स्ट्रा EIGHTY, 80 एंड SEVEN, 7, 87, देन 8 एक्स्ट्रा EIGHTY, 80 एंड EIGHT, 8, 88, देन 9 एक्स्ट्रा EIGHTY, 80 एंड INE, 9, 89। अब 89 हो गया, अब इसमें एक ऐड होगा तो 10 का बंडल बन जाएगा और इसे क्या बोलेंगे, 9090, NINETY, 90। अब 90 के बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, सो 90, 9 बंडल्स हैं और 1 एक्स्ट्रा, तो NINETY, 90, ONE, 91। फिर 2 एक्स्ट्रा NINETY, 90 एंड TWO, 2, 92, देन NINETY, 90 एंड THREE, 3, 93, देन 4 एक्स्ट्रा NINETY, 90 एंड FOUR, 4, 94, देन 95, वाई, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा है, तो NINETY, 90 एंड FIVE, 5, देन 6 एक्स्ट्रा NINETY, 90 एंड SIX, 6, 96, देन 7 एक्स्ट्रा NINETY, 90 एंड SEVEN, 7, 97, देन 8 एक्स्ट्रा NINETY, 90, EIGHT, 8, 98, 90 बोलेंगे, 19 नहीं बोलेंगे, ओके, 98, देन 9 एक्स्ट्रा NINETY, 90 एंड NINE, 9, 99, एंड 99 में एक और ऐड हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा एक 10 का बंडल, और 99 के बाद क्या आता है, 100, HUNDRED, 100, HUNDRED, 100, यानी कि पूरे 100। तो ये हमने 100 तक पूरी गिनती कर ली। अब नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमें एक गिनलड़ी दी हुई है। गिनलड़ी क्या होता है, एक धागे में बहुत सारी मोती होती है जिसको यूज़ करके हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, टाई अ गिनलड़ी फ्रॉम वन एंड टू अदर, चूज अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 99 कार्ड एंड देन अटैच द नंबर कार्ड एट द एप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द गिनलड़ी विद अ क्लिप, प्ले विद योर फ्रेंड्स यूजिंग अदर कार्ड्स ऑल्सो। एक से लेके 99 यानी 1 to 99 के बीच में कोई भी नंबर हमें सेलेक्ट करना है और गिन लड़ी को इस तरीके से टांग के और उसमें जहां पर उतनी मोतियां कंप्लीट हो रही है वहां पे हमें उसको अटैच करना है पिन के थ्रू, ओके। तो जैसे यहां पर 24 इन बच्चों ने काउंट किया है, पहले 10, 10 एंड देन 4, तो यहां पे 24 होता है, तो यहां पे इन्होंने 24 का नंबर कार्ड लगा दिया। ऐसे ही बाकी के नंबर कार्ड में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, लेट्स से 10 चूज कर लिया तो 10 काउंट करके उसके बाद हम 10 का नंबर कार्ड प्लेस कर देंगे। ये आपको खुद ही करना है, ये तो इजी एक्सरसाइज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट एंड राइट द नंबर्स। यहाँ पे हमें नंबर काउंट करने हैं और नंबर टोटल लिखना है कि कितने हैं। तो देखो एक बंडल में 10 थे, 10, 20, 30 एंड 40। लूज कितने हैं? 41, 42, 43, 44, 45, 46 एंड 47। तो हम लिख देंगे 4747। फिर यहाँ पे एक डिब्बे में कितने बॉक्सेस थे? 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड लूज कितने हैं? 81, 82 एंड 83। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 83। अब नेक्स्ट ऐसे ही देखो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, तो एक पूरे सेट में 10 है, तो 10, 20, देन 30, 40, 50, 60। फिर लूज कितने हैं? 61, 62, 63, 64, 65 एंड 66। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 66। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्नेक एंड लैडर का हमें दिया हुआ है ये, मेक अ स्लाइड एंड लैडर गेम बाय फिलिंग द मिसिंग नंबर। यहाँ कुछ ब्लैंक्स खाली हैं, इसमें हमें काउंटिंग को कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 दिया हुआ है, फिर 4 नहीं है तो 4 लिख देंगे, देन 5, 6, 7 नहीं है 7 लिख देंगे, 8, 9 फिर 10 लिख देंगे, 11, 12, 13 देन 14 फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20 फिर 21, 22 23 नहीं है 23 देन 24, 25, 26 नहीं है फिर 27, 28, 29 यहाँ लिखेंगे, फिर 30 दिया हुआ है, फिर 31, 32, 33, 34, 35 नहीं है तो 35 लिखेंगे, 36, 37, 38 फिर 39 नहीं दिया है तो 39 लिखेंगे, फिर 40, फिर ऐसे ही 41, 42, 43 यहाँ 44 नहीं है तो 44 लिखेंगे, 45, 46 लिखेंगे, 47 लिखेंगे, 48 दिया हुआ है, 49 लिखेंगे एंड 50। अब इस लाइन में 51, 52, 53, 54, 55 नहीं है तो यहाँ 55 लिखेंगे, फिर 56 दिया है, 57 नहीं दिया तो 57 लिखेंगे, 58, 59, 60 तो यहाँ 60 लिख देंगे। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 61, 62, 63, 64 नहीं है तो 64, देन 65, 66, 67 नहीं है तो 67 लिखेंगे, 68, 69 एंड 70 यहाँ 70 आएगा। अब इधर से 71, 72, 73, 74 यहाँ 75 आएगा, देन 76, 77 देन 78 आएगा, फिर 79, 80 80 तक दिया है, फिर यहाँ से देखेंगे 81, 82, 83, 84 फिर 85 नहीं है तो लिखेंगे, फिर 86, 87, 88 अब 89 लिखेंगे, फिर 90 दिया हुआ है। अब इधर से 91, 92 है, फिर 93, 94, 95, 96, 97, 98 ये हमें दिए हुए हैं, अब आ जाएगा 99 और लास्ट में हमें दिया हुआ है 100। तो इस तरीके से हमने 1 से लेके 100 तक जो भी मिसिंग ब्लैंक्स थे उसको हमने फिल करके काउंटिंग कंप्लीट कर ली है। ओके, आई होप आपको ये इजी लगा होगा और काउंटिंग आप बार बार लिखेंगे तो आपको खुद आ जाएगी, इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें एक पेंटिंग की हुई है, इस पेंटिंग का नाम होता है, ये बहुत खास पेंटिंग है, इसका नाम है वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑब्जर्व एंड डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। पिक्चर में क्या क्या हो रहा है हमें ऑब्जर्व करना है और फिर बताना है। तो देखो कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ, देयर इज अ विलेज एंड पीपल, एक गाँव दिख रहा है हमें, कुछ लोग दिख रहे हैं एंड दीज पीपल आर डूइंग देयर वर्क, वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, राइट, और चिल्ड्रन आर प्लेइंग, और यहाँ पे बच्चे हम देख सकते हैं कि खेल रहे हैं, है ना, कुछ यहाँ पे मुर्गियाँ भी देखने को मिल रही हैं और सभी लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स विच यू सी इन द पिक्चर। आप क्या देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें इस पिक्चर में, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पीपल डूइंग देयर टास्क, वन पर्सन इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री एंड चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ रहा है और लोग अपने अपने कामों को कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है हाउ मैनी हाउसेज आर देयर, कितने घर हैं इस पिक्चर में, सो वन यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो हम लिख देंगे देयर इज वन हाउस। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द पिक्चर, कितने लोग हैं, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाड़ी है, इस पे भी है ना, तो 10 है टोटल, सो देयर आर 10 पीपल इन द पिक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गेस हाउ मेनी लाइन्स आर यूज टू ड्रॉ द लीव्स ऑफ ए ट्री, इस पेड़ की जो पत्तियां हैं उसको बनाने में कितनी लाइन्स लगी। तो हम एक लीफ को जूम करेंगे और देखते हैं कितनी लाइन्स लगी हैं एक लीफ को बनाने में। तो चलो लाइन को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। सो 12 लाइन्स आर यूज टू ड्रॉ अ लीफ। यहाँ पे एक पत्ते को बनाने के लिए पूरी 12 लाइनें लगी हैं। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द स्पेशल नेम फॉर दिस टाइप ऑफ पेंटिंग, इसको क्या बोलते हैं इस पेंटिंग को। तो अभी मैंने आपको बताया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वर्ली पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर वर्ली पेंटिंग। तो अभी मैंने आपको बताया, वर्ली पेंटिंग इज फोक पेंटिंग ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ की फेमस पेंटिंग है ये? महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक योर ओन वर्ली पेंटिंग, आपको कुछ भी वर्ली पेंटिंग जैसा ड्रॉ करना है खुद से। तो यहाँ देखो मैंने डांसिंग पर्संस बनाए हैं, जो कुछ लोग डांस कर रहे हैं, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। जैसे दो दो ट्राइंगल्स पहले मैंने ड्रॉ किए, फिर ऊपर वाले में मैंने रेड कर दिया, नीचे वाले में ग्रीन कलर कर दिया, एंड ऐसे लाइन्स को यूज़ करके इनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में मैंने हैंड बना दिए इस तरीके से, फिर मैंने लेग्स बना दिए से डांसिंग पोजिशन में, राइट, और फिर इनकी मैंने नेक लाइन ड्रॉ की और सर्कल करके फेस ड्रॉ कर दिया और एक बालों का बन बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर ईजी लगा होगा, क्योंकि काउंटिंग्स ही हैं जिनको हम बार बार करेंगे तो ईजी हो जाएगा। बाकी के चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। If you like the video, please like and share it and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.